ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज फैलाने के लिए है। इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन जुआ खेलना आपके और आपके लाइफ के लिए हानिकारक हो सकता है, कृपया जिम्मेदारी से काम लें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कैसिलो लॉजिक्स में। आज मैं आपके बीच दोबारा आ चुका हूँ एक नया टॉपिक लेके। आप सभी का कई सारे सवाल थे, कई सारे कॉमेंट मुझे आ रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई कॉमेंट मुझे आए कि सर बैंक हमारे सीज हो रहा है, बैंक अकाउंट हमारा सीज हो रहा है, हम किसी साइट से अगर विड्रॉल ले रहे हैं, गेमिंग की किसी साइट से हम विड्रॉल ले रहे हैं तो हमारा अकाउंट सीज हो जा रहा है, हमारे जो उसमें रकम है, खाते में पैसे होते हैं वो हम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे होगी। आप सभी से कहना चाहूँगा, आप सभी का एक लाइक और एक लाइक मुझे कई अच्छा मोटिवेशन देता है और मैं इस तरह की वीडियो लेके आता हूँ, तो आप एक लाइक दे दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आप सभी के लिए इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक में कि ये बैंक अकाउंट क्यों सीज हो रहे हैं, क्यों बैंक अकाउंट आपके बंद हो जा रहे हैं, आप सभी को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी के डिमांड में मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप सभी को कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले हम किसी साइट में प्ले करते हैं, उस साइट में हम क्या करते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट कैसे करते हैं? बाय UPI, बाय IMPS या कोई भी मेथड से हम उस साइट में पैसा डालते हैं और उस साइट में पैसा डालने के बाद हम प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद जब हम जीतते हैं तो हम विड्रॉल लेते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन कई सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं जिनके लाइसेंस तक नहीं होता, वो लोगों के साथ फ्रॉड करती है। फ्रॉड इन द सेंस कैसे करती है, मैं आपको बताता हूँ। आपने पैसा डिपॉजिट किया, आपने प्ले किया डिपॉजिट किया, आप बड़ा रकम जीत गए, उन्होंने आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, या तो आपके पैसे लेके आपको पैसे डिपॉजिट ही नहीं किया और आपको घुमाते रह गए। उसके बाद क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है और उस अकाउंट के ऊपर एक कंप्लेंट डाल देता है कि मैंने इस साइट में पैसे दिए थे, इन्होंने मुझे वो सर्विस नहीं दी, या तो मुझे जीतने के बाद वो अमाउंट नहीं दिया। तो मैं आप सभी से, मतलब वो वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं, साइबर सेल में कंप्लेंट करते हैं। साइबर सेल में कंप्लेंट करने के बाद क्या होता है, साइबर सेल वाले उस अकाउंट की छानबीन करते हैं, उस अकाउंट से जितनी भी राशियाँ कई सारे अकाउंट में गई होगी उन अकाउंटों को भी होल्ड कर देते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, आप भी अगर वो वेबसाइट में खेल रहे हैं और उस वेबसाइट से आपने विड्रॉल लिया, आपने छोटा रकम जीता तो उन्होंने आपको विड्रॉल दिया, तो वो विड्रॉल कहाँ से दे रहे हैं? उस बंदे ने जो डिपॉजिट किया वो पैसा आपको दे रहे हैं। एक का तो पैसा खा चुके हैं, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, उसने कंप्लेंट डाल दिया। तो जो भी लिंक आपके उस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए रहेंगे वो उससे लिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? लिंक हो जाती है। तो आपने उस अकाउंट से के पास पैसे गए और स्कैमरों ने वो पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया। और जब साइबर क्राइम वाले इन चीजों को तहकीकात करते हैं तो जो भी ब्रांच होती है, जो भी ट्री होती है, जिस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसे गए हैं उन अकाउंटों को होल्ड कर दिया जाता है। आप सभी से निवेदन है, ऐसी वेबसाइटों में खेलें जिनके पास लाइसेंस होता है, जिनके पास लाइसेंस होते हैं और एकदम वैलिड लाइसेंस होते हैं, उन्हीं वेबसाइटों में खेलो। किसी भी ऐसे फेक वेबसाइटों में खेलोगे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो अलग तरह के पैनल्स होते हैं, अलग तरह के स्कैक्शंस होते हैं, और ऐसे वेबसाइटों में ना खेलें। इनमें पैसा कहाँ से ये लोग पैसा लाते हैं, किस अकाउंट का पैसा ये यूज़ करते हैं, किस लोगों का छोटा छोटा अकाउंट ये यूज़ करते हैं, पान वाले, रिक्शे वाले इनको दो पैसों की लालच देके इनसे अकाउंट बना लेते हैं और इनके अकाउंट से आप लोगों के अकाउंट में पैसे डालते हैं, गेमलिंग में इनका अकाउंट यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह का फ्रॉड है और इस तरीके से साइबर क्राइम अकाउंटों को होल्ड कर रही है। अगर आप लोगों का अकाउंट होल्ड हो चुका है तो आप सभी डरे ना, बैंक में जाइए, बैंक को बताइए कि आपने क्या किया था, आपने पैसा कहाँ डिपॉजिट किया था, आपने कहाँ से विड्रॉल किया था। जब ये सब चीज़ें आप साइबर सेल को बता देंगे, वहाँ से आपको एक NOC मिलेगी और वो NOC जब आप अपने बैंक को दोगे तो आपका जो अकाउंट में फ्रिज लगा हुआ है वो पैसा हट जाएगा। और आप सभी डरते हैं बैंक में जाने के लिए कि हमारे साथ इंक्वायरी होगी, हमें पुलिस उठा लेगी, तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। आप ऑनलाइन में अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, आप खेल रहे हैं, तो इसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि आपको पुलिस उठा लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, होल्ड भी इसलिए कर दिया जाता है, वो आपसे जानना चाहते हैं ये पैसे आपके पास कहाँ से आए और वो पैसे आपके पास कहाँ से आए और आपको उन्हें बताना होता है। और कभी भी झूठ ना बोलिए अपने, अगर आप गए पुलिस स्टेशन वहाँ झूठ मत बोलिए, उन्हें सब पता होता है ये वेबसाइट किस वेबसाइट से पैसा आया है, कहाँ से आपने लिया है। तो उनको सच बता दीजिए और अपने अकाउंट को, वो आपके अकाउंट को
अनहोल्ड कर देंगे। तो हम डरते हैं पुलिस स्टेशन जाने में, अब हम उनको सच्चाई नहीं बता पाते। तो ऐसा कुछ नहीं, आप बता सकते हैं, अगर आपने गेमलिंग की है, जुआ खेल रहे हैं, तो आपको उनसे छुपाना नहीं है, उनको सारा सच बता देना है। कई सारे लोगों का अकाउंट होल्ड होता है, वो ये तकलीफों से गुजर रहे हैं, कोई उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना दूं। तो इस वीडियो से आपको क्या सारांश मिला कि कोई भी ऐसी फेक वेबसाइट बना खेले जहां से विड्रॉल लेके आपको तकलीफ हो सकती है, जहां से आप विड्रॉल लेके आपके अकाउंट में कोई इशू हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं किसी भी वेबसाइट में अगर खेले, उनसे बोले आपका मुझे स्टैंडर्ड लाइसेंस दीजिए, उनका लाइसेंस पहले चेक कीजिए, फिर उनमें प्ले कीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगा। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।